बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, या इसको ड्यूअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग के जो बेसिक दो सिस्टम हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, उसमें बेसिस है ये डबल एंट्री सिस्टम की कि हम दो एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सेल करते हैं, कैश पे हमारी जो है वो सेल हो गई है, तो इन टेंजिबल फॉर्म आप किसी को कुछ दिखा सको तो वो तो कैश है, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई रीज़न पूछे कि पैसा कहाँ से आया, तो आप उसे कहोगे सेल। लेकिन इट सेल्फ सेल क्या चीज़ है? आप किसी का बस सेल इज अ सेल, इट्स अ रेवेन्यू, इट्स अ इनकम, ये उसका हेड है। हम उसको नहीं दिखा सकते कि ये सेल क्या चीज़ है। लेकिन डबल एंट्री जो सिस्टम है वो जो टेंजिबल फॉर्म में जो आपके पास कैश आया वो भी रिकॉर्ड होगा, और जो इनटेंजिबल फॉर्म के अंदर जो उसकी सर्विस है उसमें भी रिकॉर्ड होना है। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट है, ये इसके बैक पे क्या है? एक प्रिंसिपल है जिसको ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कहते हैं, या डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इस बेस पर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब इसमें देखें, लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स, एवरी एस्पेक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और वो एस्पेक्ट्स क्या हैं? ट्रांजेक्शंस जो हुई तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ आपके पास आई होगी, कुछ गई भी होगी, अब वो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। Against every debit there is an equivalent credit which must be recorded in the books of account. तो ये question के जो हमारी transaction record होती है उसमें हम दोनों ये क्यों record कर रहे हैं, या ये recording जो हम करते हैं इसका principle क्या है? तो जो recording का जो principle है वो dual aspect concept है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही एक्चुअली आपकी जर्नल जो है वो बेस कर रहा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि दोनों चीज़ें जो हैं वो, जहाँ पे एसेट आ रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा, और एसेट आ रहा है तो उसके बदले में या तो आपने पैसा पे किया तो या उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी होगी, यही है। यानी फाइनेंस जो किया होता है, कोई एसेट आपके पास आ रहा है तो उसका फाइनेंसिस, या तो आपके पास बिजनेस से पैसा पड़ा तो उससे खरीदा, बिजनेस से पैसा नहीं पड़ा तो किसी एक्सटर्नल पार्टी से, यानी बैंक वगैरह से, इसे फाइनेंशियल सेक्टर से आपने लोन लिया, या वो तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो सेपरेटली होती है, तो तीसरा, या फिर ऑनर उसने उसको फाइनेंस किया, यानी जो भी आपके पास एसेट आ रहा है या तो बिजनेस से पैसा गया, या मालिक ने दिया, या मालिक ने दिया तो किसी बाहर से आया, तो इसका अंदर कोई ना कोई इसके अगेंस्ट कोई सेकेंड एस्पेक्ट होना है, तो दोनों को रिकॉर्ड करना है। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो उसको डिसलाइक करें, और वीडियो देखने का शुक्रिया।